हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। आज मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी का गणित का जादू, जिसका चैप्टर हम फोर पढ़ रहे थे, है ना, हिस्से और पूरे, है ना। देखो क्लास फिफ्थ की चैप्टर फोर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम क्या था देख लेते हैं। चैप्टर का नाम हिस्से और पूरे, ठीक है। चैप्टर का नाम हिस्से और पूरे था, ठीक है। हमने यहाँ तक तो कवर कर लिया था इसे, यहाँ तक, ठीक है। और हम इसका पार्ट फोर आज हम पढ़ने वाले, इसके पार्ट तीन तक इसका कंप्लीट हो चुका है। हम पढ़ने वाले हैं आज पार्ट फोर, ठीक है, पार्ट फोर, और इसका पार्ट लास्ट रहेगा। बाकी आप जो नहीं देखे हो उसका देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्कूल पत्रिका, क्या स्कूल पत्रिका, है ना। पत्रिका किसे कहते हैं हम, न्यूज़पेपर को कहते हैं, है ना। न्यूज़पेपर हो गया, या फिर कुछ भी न्यूज़ देता हो उसे हम पत्रिका कहते हैं। एक स्कूल ने साल के हर तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सोची, है ना। एक स्कूल, जो भी स्कूल आप मान लो, है ना, अपना स्कूल मान लो या फिर अपने दोस्त का, किसी का भी मान सकते हो। सोची एक साल में उनके पास कितनी पत्रिकाएँ होंगी, है ना। एक स्कूल ने हर तिमाही, तिमाही मतलब तीसरे महीने, हर तीसरे महीने, यानी कि देखो पहले इस पे पहले पढ़ लेते हैं पूरा, फिर इस पे आते हैं, है ना। अगर उन्हें साल की हर एक तिमाही के अंत में पत्रिका छापनी है तो कौन से महीने में छपाई के होंगे, छपाई के होंगे, उन महीनों के अंकों पर निशान लगाओ। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा महीना में वो रंगने वाले हैं, छपाई करने वाले, मतलब पत्रिका की। फिर एक, दो, तीन, यानी के छठा, छठे महीने। फिर एक, दो, तीन, नौवें महीने पे। फिर एक, दो, तीन, बारह महीने पे। तो देखो एक साल में यहाँ पर कितने न्यूज़पेपर छप जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, है ना। एक साल में यहाँ पर चार छप जाएंगे पत्रिकाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के महीने में आएगा पहला पत्रिका। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में भी आएगा, है ना। मार्च, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी आएगा, और फिर जाकर दिसंबर में भी आएगा, है ना, ठीक है। इन चार महीनों में पत्रिका निकलेगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नींद के बारे में एक मज़ेदार बात, ठीक है, नींद के बारे में एक मज़ेदार बात देख लेते हैं, क्या मज़ेदार बात है। क्या तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है, क्या आपने कुंभकर्ण का नाम सुना है। आप लोगों ने सुना भी होगा और कार्टून में देखा भी होगा, है ना। क्या आप जानते हो कुंभकर्ण को, चलो देखते हैं कितना जानते हो। रावण का भाई, क्या रावण का भाई है वो कुंभकर्ण, आप मुझे कॉमेंट में बताओ, ठीक है ना। वह आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध है, है ना। आधे साल तक सोता है वो, अपन तो आधे दिन भी नहीं सो पाते हैं, वो तो आधे साल तक सोता रहता था, ठीक है। आधे साल मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, छह महीने वह सोता था सिर्फ, सोचो। प्रसिद्ध है, ज्यादातर लोग एक दिन में आठ घंटे सोते हैं, है ना, ज्यादातर लोग एक दिन में आठ घंटे सोते हैं, ठीक है। तो वह एक दिन का कौन सा हिस्सा है, आठ घंटे सोते हैं तो अपन ने निकाला था ना यहाँ पर, देखो अपन ने यहाँ पर निकाला था आठ घंटे, है ना, तो वो दिन का एक तिहाई हिस्सा था, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं ना कौन सा हिस्सा है, एक बटा तीन हिस्सा है, ठीक है। तो वह एक साल का कितना हिस्सा सोता है, एक साठ साल का व्यक्ति जरूर साल सोएगा, है ना। यहाँ पर एक साठ साल का व्यक्ति कितने साल सोएगा, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अगर वह हर दिन एक तिहाई सोता है तो, ठीक है, तो एक बटा तीन को हम क्या करेंगे, साठ से गुना कर देंगे, एक बटा तीन गुणे साठ, है ना, क्योंकि वो साठ साल का बुजुर्ग व्यक्ति होगा, और हम प्रत्येक दिन एक बटा तीन सोते हैं, ठीक है, एक तिहाई घंटा सोते हैं। तब यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं, इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे से अपन क्या करते हैं, भाग करते हैं ना,
तो यहाँ पर ये जाएगा दो बार, है ना, सॉरी यहाँ पर तीन लिख दिया मैंने, दो बार, तीन का तीन, तीन दूनी छः। अब ये तीन जीरो में कितने बार जाएगा, जीरो में जीरो बार जाएगा, है ना। अब इस बीस को क्या करेंगे अपन, एक से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बीस, यानी कि वो बीस साल क्या करता है, बीस साल वो सोता रहता है, समझे। अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है तो वो अपने लाइफ में 20 साल सोया होगा सिर्फ, ठीक है ना, इस बात को आप समझ रहे हो ना, ठीक है। अगर आप कितने साल के हो, इसी तरह से आप निकाल सकते हो 1/3 से, तो आपका भी निकल आएगा कि आप कितने साल सो चुके हो अभी तक, ठीक है। अब ये हमारा उत्तर कार्ड का पहली, यह हमारा जो आंसर था ना, पहले हमने इसको सॉल्व किया था कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, है ना, उसका यहाँ पर आंसर है ना। आप चाहो तो मिला लेना अपनी बुक से, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कार्तिक की खरीदारी सूची, सॉरी कृति की खरीदारी सूची, है ना। पीली सूची को देखो, पीली सूची कहाँ है, यहाँ पर पीली सूची ये है। का 2 किलो टमाटर कितने के हैं, देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, कीमत रुपयों में किलो के लिए, 1 किलो का दाम दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर सामान दिए हुए हैं, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर, लौकी, ठीक है। 2 किलो टमाटर कितने के हैं, तो यहाँ पर तो 1 किलो टमाटर का दाम कितना है, 12, है ना, 12। तो 2 किलो के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, सिंपल सी बात है ना, 12 को हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 2 किलो का निकल आएगा। देखो 2 × 2 = 4, अब यहाँ पर 2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 24 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 24, 2 किलो टमाटर का, 2 किलो टमाटर 24 रुपये में आएंगे। 1/2 किलो टमाटर कितने के होंगे, अब यहाँ पर 1/2 समझ रहे हो, आधा किलो, है ना, 1/2 को हम आधा बोलते हैं, यानी कि आधा किलो निकालना है। तो आधा किलो निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 1/2 लिखेंगे, 1/2 को आधा बोलते हैं, अब यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर हमारा 12 तो था हमारा 1 किलो का दाम, अब क्या करते हैं नीचे से हम भाग करते हैं, सबको पता है 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 6 बार में कट गया ये, है ना, 2 × 6 = 12 में 6 बार जा रहा है, इसलिए हमने 6 लिखा है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुना करते हैं, हमारा 6 यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 रुपये में आएंगे, 1/2 किलो टमाटर 6 रुपये में आएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, किरण को 2 सही 1/2, इसे क्या बोलते हैं, 2 सही 1/2 किलो टमाटर चाहिए, उसे वे कितने के मिलेंगे। टमाटर का भाव देख लेते हैं भाई, हाँ 12, है ना, टमाटर तो हमारा 12 रुपये किलो है, लेकिन ये 2 किलो और आधा किलो है, ठीक है। तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बटे में, तब हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको बटे में, अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें बटे में, तो हमारा आसान हो जाएगा काम सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो अगर ये 2 सही 1/2 है, है ना, इस तरह से है, तब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इसको कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इसको बटा में लिखने के लिए, यहाँ पर इससे गुना करते हैं, है ना, 2 × 2 = 4, और इससे प्लस कर देते हैं। अब ये क्योंकि 2 से गुना किए तो 4 हो गया, अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, और जो बटा में है वो बटा में ही रहेगा, ठीक है। अगर बटा में 2 है तो 2 रहेगा, अगर बटा में 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है। तो हमने इसे कन्वर्ट किया तो हमारा 5/2 हो गया, ठीक है, ये तो हमने अभी कन्वर्ट किया है सिर्फ, 2 सही 1/2 को हमने कन्वर्ट किया है सिर्फ बटे में। अब हम उसका निकालेंगे कि इतना 1 किलो टमाटर का हिस्सा इतना निकालनी है ना,
कि हम उसको कितने मिले, कितने रुपए में, ठीक है? क्या पूछा उसने, उसने उसे वे कितने मिलेंगे? तो देखो यहाँ पर हम 12 से गुना कर देंगे, है ना? हमारा 12, तो हमारा 12 रुपए किलो टमाटर है, तो यहाँ पर इसको हम भाग करेंगे तो हमारा 6। तो कर दो 2 दून 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 6, 10, 2 6 12, ठीक है? यहाँ पर 12 से कट गया। अब यहाँ पर क्या करना था हमें, गुना, है ना? अब इसे हम गुना करेंगे, है ना? तो हम अब 5 को 6 से गुना करेंगे, तो 5 का 5 5 10, 15 5 25, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 7 35, 5 6 30, है ना? तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 30, यानी कि 30 रुपए के उसको मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30, ठीक है? ठीक है, समझ गया ना? पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसको कन्वर्ट किया बटे में, है ना? बटे में कन्वर्ट किया, 5/2 आ गया। फिर हमने उसको 12 से गुना किया, क्योंकि 12 रुपये किलो था हमारा टमाटर। अब हमने इसको भाग किया तो हमारा 6 आया। अब क्योंकि नीचे से भाग करते हैं और ऊपर से गुना करते हैं, तो 6 को हमने 5 से गुना किया तो हमारा 30 आंसर आया। हमारा यानी 30 रुपये का 2.5 किलो टमाटर होगा, ठीक है? यहाँ पर क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पर 3 सही, है ना? इसको क्या पढ़ते हैं, सही। 3 सही, 1/2 किलो आलू की कीमत क्या होगी, ठीक है? 3/, अच्छा यहाँ पर 3 सही, 1/2 किलो आलू की कीमत क्या होगी यहाँ पर, यानी कि 3.5 किलो, है ना? तो अब यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, है ना? कन्वर्ट किस तरह करते हैं, देखो 3, एक बार और देख लेना ध्यान से। नीचे से अपन गुना करते हैं ना, कन्वर्ट करने के लिए, है ना? सॉल्व करने के लिए तो अपन नीचे से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं हम अपन। 3 का 3, 3 दूनी 6, ठीक है? अगर हम इसको 2 को गुना करें 3 से, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे, है ना? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर गुना, ये 6 हो गया। 6 को हमने 1 जोड़ दिया तो हमारे यहाँ पर 7 आ गया। और जो हमारा बटे में नीचे है ना, जो नीचे बटा में है वो हमारा 2 है। अगर यहाँ पर 1 रहता तो हम 1 लिखते, यहाँ पर 4 रहता तो 4 लिखते, यहाँ पर 6 रहता तो 6 लिखते, ठीक है? ये तो हमारा कन्वर्ट हुआ है। अब हम उस आलू का दाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? हमें आलू का ही निकालना है ना, तो आलू हमारा 10 रुपये है। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ये सभी को पता है कि नीचे से भाग देते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 5 बार में गया, इतना क्लियर है? अब ऊपर से क्या करते हैं, बताओ बताओ, गुना, है ना? अब यहाँ पर देखते हैं, 5 का 5 5 10, 15 5 20, 5 6 25, 5 6 30, 5 7 35, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है? तो हमारा 35 रुपए का इसका आलू हो गया 3.5 किलो, ठीक है? ठीक है ना? अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1 सही, 1/4 किलो गाजर कितने की होंगी यहाँ पर। अब गाजर यानी कि 1 किलो 1/4, है ना? तो इसे भी क्या करेंगे, पहले अपन कन्वर्ट कर लेंगे, है ना? कन्वर्ट करने से क्या होता है, हमारा काम इजी हो जाता है ना, और जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना? बस आप कन्वर्ट करना जान लो। तो हमारा क्या था, 1 सही, 1/4, क्या करना था, नीचे से गुना करना था। नीचे से अपन ने गुना किया तो ये होगा, 4 को 1 बार में गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। अब ऊपर प्लस करना था, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और बटे में हमारा 4 ही रहेगा, ठीक है? ये तो हमारा कन्वर्ट हुआ है सिर्फ। अब देखेंगे कि गाजर का दाम कितना है, ठीक है? गाजर का दाम है हमारा 18 रुपये, ठीक है? इतना ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से देखना है ना? यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसमें भाग नहीं कट रहा है ना? यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है। 4 का 4, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 4 के 16, 4 5 20, है ना?
डायरेक्ट तो नहीं कट रहा, लेकिन आप यहाँ पर भाग देंगे, है ना, क्योंकि अपन भाग ही देते हैं ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं साइड में भाग देते हैं, 4 को हम 18 में भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो 16 तो जाता है ना, 4 का 4, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 बार गया, ठीक है, इतना क्लियर है, 4 बार गया यानी कि 16 गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, माइनस, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि हमारा कितना यहाँ पर आ रहा है 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, आगे प्रोसेस बढ़ाने के लिए यहाँ पर डॉट देते हैं, डॉट देंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 4 कितने बार जाएगा, यहाँ पर 4 का 4, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 20, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो, हमारा यहाँ पर कट जाता है ये 4.5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रह गया, हमारा यहाँ पर गुना रह गया, ठीक है ना, अब यहाँ पर गुना करेंगे, अब यहाँ पर क्योंकि दशमलव का गुना है, तो देखो ध्यान से देखना, 4 सही 5 को हम गुना करने वाले हैं 5 से, क्लियर। इस डॉट को अभी आप भूल जाओ, है ना, कि ये यहाँ पर डॉट है। अब गुना करते हैं, 5 को 5, 5 10, 15, 25 20, 25, कि 5 हासिल 2, है ना। अब 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 5 5 10 15 25 20, और यहाँ पर 22, यानी कि 22.5, ठीक है, 22.5, यानी कि 5 को हम लिखेंगे, देखो हमारा 5 कितना कहलाता है, आधा कहलाया है ना, 1 का आधा, और 1 का आधा यानी कि 50 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मतलब 50 पैसे हैं, है ना, क्योंकि 1 का आधा हम लिखते हैं 5, है ना, अगर हम यहाँ पर लिखते 1 तो हमारा 23 हो जाता है ना, तो हम यहाँ पर 1 का आधा लिखेंगे 5, तो यहाँ पर 5 का मतलब हो गया 50 पैसे, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पर 22 रुपये 50 पैसे लिखेगा, है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 22 रुपये 50 पैसे के आएंगे इसके गाजर, इतना क्लियर है। अब उसके बाद देखो, उसने 4 सही 3/4 किलो का लौकी खरीदा, जिसकी कीमत, अब इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, कन्वर्ट करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो 4 सही 3/4, नीचे से गुना, यहाँ पर 4 का 4, 4 दुनिया 8, 4 का 4, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 चौके 16, ये 16 हो गया, 16 में अपन 3 जोड़ेंगे, हमारा 19 हो जाएगा, यानी कि 19 बटा 4, क्योंकि यहाँ पर बटे में 4 है, यहाँ पर 5 रहता 5 लिखते, 6 रहता 6 लिखते, 7 रहता 7 लिखते, ठीक है, ये तो हमारा अभी कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ पर लौकी का दाम लिखेंगे, लौकी का रेट कितना है, 8 रुपये, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। यहाँ पर नीचे से अब भाग करते हैं, तो यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा, 4 का 4, 4 दुनी 8, अब यहाँ पर गुना करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आओ गुना करते हैं, 2 को 9 से गुना करेंगे 18 के हासिल 1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 2 और 1 3, 38 रुपये का, ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर इसको कितने का पड़ेगा, ये 38 रुपये का, ठीक है, यहाँ पर रुपए लगा दो सब में, है ना, ठीक है। कार्तिक के हाथ में खरीदी की सूची को देखो, अच्छा कृति है ना, बार बार कार्तिक पढ़ जा रहा हूँ, कृति के हाथ में खरीदी की सूची को देखो, ये रही कृति के हाथ में खरीदी की सूची,
उसे यह सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। देखो अब इसमें हमें हिसाब लगाना है कि इसे कितने रुपए देने होंगे। यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि कितना सामान लेकर आना है, पैसे इसमें नहीं लिखे हुए हैं ना। टमाटर हमारा 2 किलो लाना है। अच्छा टमाटर हमारा 2 किलो 1/4 है ना, मतलब यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 सही 1/4 इस तरह से लिखा गया है। अब यहाँ पर 3 सही 3/4 है और 1 सही 1/2 है, ठीक है। अपन इसका भी निकालेंगे, ठीक है। यह तो उसे यह खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे तो देख लेते हैं, है ना। कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका दाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, है ना। टमाटर का देख लेते हैं, टमाटर 2 सही 1/4 है ना। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको हम गुणा करेंगे 4 का 4, 4 दुनिया 8, 8 में हम 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9/4। इतना क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको रिपीट करके देखना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपन दाम लिखेंगे टमाटर का। टमाटर का दाम कितना है, यहाँ पर देखो टमाटर का दाम है 12 रुपये, 12 रुपये लिख लेंगे। अब यहाँ पर कितने से कटेगा, 4 का 4 4 2 8 4 3 12, 3 बार में कट गया। अब यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा 3 × 27, ठीक है। तो हमारा टमाटर 27 रुपये का आएगा, ठीक है, 27 रुपये का टमाटर आएगा। अब उसके बाद क्या है, गाजर, गाजर, ठीक है, गाजर कितना है, 3 सही 3/4, 3 सही 3/4, इसको कन्वर्ट करेंगे, इससे पहले गुणा करेंगे, 4 का 4 4 2 8 4 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, तो यहाँ पर 15/4, ये तो हमने कन्वर्ट किया है सिर्फ। अब यहाँ पर दाम लिखेंगे गाजर का, गाजर का दाम, गाजर 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 का 18 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से भाग ऊपर से गुणा, तो यहाँ पर देखो 4 का 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 4 5 20, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमने आंसर कितना निकाला था, चलो कोई बात नहीं, फिर से निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर हम निकालेंगे, देखो 4 को बाहर करेंगे, 18 को अंदर, यहाँ पर 16 जाएगा, है ना, 4 बार। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 2 हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करने के लिए डॉट लगाएंगे, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 4 कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 20 बार यहाँ पर कट हो गया ना, 5 बार जाएगा, मतलब 20 में जाएगा 5 बार, टोटल हमने 20 लिखा है। अब इसको माइनस करते हैं क्योंकि तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचता है, यानी कि 4.5 रुपये, 4.5 को कितना लिखते हैं, 4.50 पैसे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, 4.50 पैसे, ठीक है ना। 4.5 को ऐसे ही लिखते हैं ना, यहाँ पर 4.5 है, यहाँ पर 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 रुपये का 50 पैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 15 से गुना करना है, 15 × 4.50, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट को भूल जाओ, ठीक है, डॉट को भूल जाओ, यहाँ पर 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0, अब 0 को 0 से गुना करेंगे, 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0, अब 5 को 5 से गुना करेंगे, है ना, नीचे आ जाते हैं, अब 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25,
के हासिल दो। पाँच को एक से गुना करेंगे तो 5 और 2 7, ठीक है। अब यहाँ पर 4 रह गया, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20, है ना, 4 5 20। यहाँ पर डबल क्रॉस लगाओ, 20 के हासिल दो। अब यहाँ पर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 4 2 6, हमारा अब इसको जोड़ लेंगे, है ना, इसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम इसको डॉट को तो भूल गए थे, ठीक है, डॉट को भूलने के लिए कहा था ना। अब यहाँ पर डॉट को देखेंगे कि कितने अंक के बाद डॉट लगा है, ठीक है ना, 1 2 2 अंक के बाद यहाँ पर डॉट लगा था, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद डॉट लगाएंगे। इतना क्लियर है सबको, है ना। तो यहाँ पर हमारा गाजर कितने का होता है, गाजर हमारा 67.50 पैसे का। इतना क्लियर है, रुपए, ठीक है। अब उसके बाद देखो, लौकी, लौकी 1/2 है, 1 सही 1/2, है ना। हमारा ये हो गया गाजर वाला काम। अब यहाँ पर लौकी देख लेते हैं ना, लौकी के लिए तो हम यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा, लौकी, लौकी हमारा 1 सही 1/2, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर इसको गुना करेंगे पहले, तो ये हमारा 2 होगा, 2 को हम जोड़ देंगे फिर, तो हमारा 3 3/2, है ना, ये तो हमारा कन्वर्ट हुआ सिर्फ। अब हम लौकी का दाम देखते हैं, लौकी हमारा 8 रुपये। अब इसको हम काटेंगे तो हमारा 4 बार में कट जाएगा, है ना। अब इसको हम गुना करेंगे 4 को, तो 4 का 4 4 2 8 3 12, तो हमारा आंसर है 12 रुपये। यानी कि लौकी हमारा कितने रुपए में मिल जाएगा, लौकी हमारा मिल जाने का 12 रुपये, ठीक है। तो हमारा टमाटर मिला 27 रुपये का, और गाजर बहुत महंगा मिल गया है ना, 67.50 पैसे का, और फिर 12 रुपये का, तो इन सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है। देखो 27 का टमाटर मिला था, 67.50 पैसे का क्या मिला था, गाजर, और फिर 12 रुपये का हमें लौकी मिला था। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, 50 पैसे का तो 50 पैसा ऐसे ही उतर आएगा, ठीक है, डॉट का डॉट। अब यहाँ पर 7 7 14 14 और 2 16 16 के हासिल 1, ठीक है। अब यहाँ पर 2 6 2 8 8 और 1 7 7 और 1 8, हमारा आंसर आ रहा है 86.50, ठीक है। तो इसको कितने रुपए लगेंगे, हाँ, कृति को के हाथ में खरीदी की सूची देखो, उसे यह सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे, तो यहाँ पर लिखोगे 86.50 रुपये, ठीक है। तुम जो सब्जियाँ खरीदना चाहते हो उनका बिल खुद बनाओ, है ना। अब जो आप सब्जियाँ खरीदना चाहते हो, इस तरह से बिल, उस जिसने कृति ने इस तरह से बिल बनाई थी ना, आप भी यहाँ पर बना लेना, ठीक है, बनाओ। पता लगाओ कि तुम्हें कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे, है ना, जिस तरह से हमने इस बिल का निकाला था ना, उसी तरह से आप भी लिखना। यहाँ पर लिखना चीज, यहाँ पर चीज क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो टमाटर, ठीक है। अब यहाँ पर किलो, कीमत रुपए में, यहाँ पर लिख सकते हो कितना किलो चाहिए आपको, तो आप लिख सकते हो 1.1 सही 1/2। अब यहाँ पर आप उसका खर्च निकाल लेना, है ना, खर्च निकालने के लिए आपको क्या कैसे करना है आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी खर्च होगा यहाँ पर लिख देना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का समय, है ना, अभ्यास का समय, रहीम की यात्रा, रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 1/2
एक सही 1/4 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है ना रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए, है ना। आपको भी अपने स्कूल पहुंचने के लिए दूरी तय करनी पड़ती होगी, है ना। उसी तरह से रहीम को भी स्कूल पहुंचने के लिए दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहाँ से घर आने में कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो देखो, पहले वो घर से स्कूल गया, है ना, स्कूल गया, फिर वापस घर आया, यानी कि वो दो चक्कर लगाता है, है ना, इसके दो चक्कर लगाता है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 यानी कि वो स्कूल से घर से वापस स्कूल गया, फिर वहाँ से घर आया, यानी कि उसने दो चक्कर लगाए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि उसको घर से जाने में स्कूल कितना लगता है, है ना, कितना दूरी तय करनी पड़ती है, और फिर हम उसको घर से वापस आने के लिए क्या करेंगे, हम उसको 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि उसे घर से स्कूल जाने में कितना दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, है ना, कन्वर्ट करना आपको अब आ गया होगा। 1 सही 1/4, इसको गुना करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा, 4 को हम 1 जोड़ देंगे, 4 में 5, 5/4 हो गया हमारा। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है, इतना ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, नीचे से क्या करते हैं अपन, भाग करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर इसमें काटोगे तो 4 का 4, 4 2 8, है ना, ये 2 बार कट रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें 2 अभी बचे हुए हैं, तो ये 2 हम इसको दे देंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा, है ना। अब 4 से हम 20 को काटेंगे तो हमारा 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ये 4 को हम 0 से काटेंगे तो हमारा 0 आंसर आएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ अभी हमने भाग दिया है, अब यहाँ पर अपन गुना करेंगे, ठीक है। गुना करने के लिए देखो, 250 × 5, 5 को 0 से गुना किए 0, 5 को 5 से गुना किए 25, ठीक है, 25 के 5 हासिल 2, 5 को 2 से गुना किए, 5 का 5, 5 × 2 = 10, 10 और 2 = 12, है ना, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। तो उसे यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए उसे घर से स्कूल जाने में दूरी लगी कितना, 1250, यानी कि 1250, है ना, 1250 मीटर उसको दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, है ना, यहाँ पर इसलिए नहीं, चूंकि, यहाँ पर लिखो चूंकि, इसलिए इसलिए स्कूल से घर, है ना, क्या लिखा था, उसे स्कूल जाने और वहाँ से, उसे स्कूल जाने और वहाँ से आने में लगी दूरी
तय की गई दूरी है ना, लगी नहीं, तय की गई दूरी। अब यहाँ पर 1250 को हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 0, 10, 10 की हासिल 1, 2, 2, 4, 4, 1, 5, 2, यानी कि हमारा कुल टोटल यहाँ पर 2500 मीटर उसको आने में लगा दूरी, है ना। मतलब उसको इतना दूरी तय करनी पड़ती है प्रतिदिन, ठीक है। इतना क्लियर है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो हमारा आंसर आया था 2500 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें आंसर लिखना है इस रूप में, है ना, हिस्से के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अब हमें इसे हिस्से में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये हमारा 2000 यानी कि 2 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा 2 किलोमीटर हो गया। अब ये 500 को हम क्या कह सकते हैं, 1/2 कह सकते हैं, है ना। 1000 का आधा कितना होता है, 500 होता है, ठीक है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, 1/2 कह सकते हैं 500 को। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। 1/2 सही, 1/2, है ना, इतनी दूरी उसे तय करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, लता ने 7, है ना, 7 रुपये 50 पैसे में एक पेंसिल और एक कलम खरीदा, है ना। उसने पेन भी खरीद लिया उसमें और पेंसिल भी 7.5 रुपये का, ठीक है। उसने कुल 10 रुपये दिए, है ना, दुकानदार को उसने कितने दिए, 10 रुपये दिए, ठीक है। दुकानदार ने उसे 98 और 54 के सिक्के वापस दिए, है ना। उसने क्या किया कि उसने 7.5 रुपये का सामान खरीदा, अब उसमें से जितने पैसे बचे उस दुकानदार ने वापस किए, लेकिन उसमें उसने क्या किया, कॉइन उसको दिया, और कॉइन क्या था, 98 और 54। 98 आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं, 50 पैसे को, और 54 किसे कहते हैं, 25 पैसे को। इतना क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आप जान लो, है ना, कि उसने अगर 10 रुपये दिए तो उसने 7.5 रुपये का सामान खरीदा, तो उसे दुकानदार वापस कितना करेगा, 2.5 रुपये, है ना। अगर 7.5 में 2.5 रुपये मिला दोगे तो वो 10 रुपये का कहलाएगा। इतना क्लियर है। तो अब देखो 2.5 रुपये, है ना, 2.5 को हम इस तरह से लिखते हैं। अगर वह 4, है ना, देखो 4 50 के सिक्के दे दे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 रुपये, है ना। और 2 25 के सिक्के दे दे तो हमारा हो जाएगा 50 पैसे, यानी कि हमारा ये कितना कहलाएगा, 2 रुपये 50 पैसे। इतना क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि बताओ उसे कौन से सिक्के मिलेंगे, तो उसे 4, है ना, 4 4 58 58, है ना, 58 को क्या कहते हैं, 50 पैसे, ठीक है। और है ना, यहाँ पर क्या लिखे थे अपन ने, 2 और 2 54 54 हमारा 25 पैसे, है ना, मिले। आप आंसर में ये लिख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
ठीक है। और मैंने बहुत से यूट्यूबर को देखा है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर कृपया ध्यान दीजिए, है ना, रेलवे स्टेशन पर आप जाते हो तो वहाँ पे अनाउंस होता है ना, कभी ध्यान से सुन ला तो इस तरह से अनाउंस होता है। कृपया ध्यान दीजिए, बेंगलोर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली मैंगलोर एक्सप्रेस आधे घंटे पीछे चल रही है, इस तरह से कुछ अनाउंस होता है। ठीक है, इसे हम आम भाषा में देखो, पढ़ के देखते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, बेंगलोर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली बेंगलोर एक्सप्रेस आधे घंटे पीछे चल रही है ना, एक जो ट्रेन है वो आधे घंटे पीछे चल रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवारी है ना अंकल, ये बोल रहे हैं, ओ आज रेलगाड़ी देर आ रही है, सही समय 7:45 का है ना, वो ट्रेन 7:45 आ जाती थी डेली, लेकिन वह आज आधे घंटे लेट आ रही है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो रेल के आने का अनुमानित समय क्या होगा? ठीक है, पहले हम पता करेंगे कि 7:45 होता कितना है ना, तभी तो हम उसमें आधा घंटा और जोड़ पाएंगे, है ना। तो 7:45 को हम क्या लिखते हैं, देखो 7:45 को हम लिखते हैं 6:45। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, हमें आधा घंटा लेट चल रही है तो हम इसमें क्या करेंगे, आधा घंटा प्लस करना पड़ेगा, है ना। अगर वह आधे घंटा लेट चल रही है तो आधा घंटा हम उसमें प्लस करेंगे, तो हम यहाँ पर 30 प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 का 5 आ जाएगा, 4 3 7। अब यहाँ पर 6 का 6। अब देखोगे यहाँ पर आप कि 6:75 होते हैं क्या, कभी आपने कभी घड़ी में 6:75 सुना है? आपने सुना होगा 6:60, उसके ऊपर आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो अगर 60 से आगे बढ़ जाए, है ना, मिनट अगर 60 से आगे बढ़ जाए तो वो संख्या 1 इधर आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7, है ना। अब क्योंकि ये 60 मिनट हमारा घंटे में बदलकर यहाँ चला गया, ठीक है, अब तो इसलिए हम 60 यहाँ पर माइनस कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमारा ये 60 उठकर यहाँ चला गया है, तो हम इसमें माइनस करेंगे। तो हम माइनस करेंगे तो हमारा देखो 5 का 5 तो हमारा ऐसे ही उतर आएगा, और 7 में 6 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि वह रेलगाड़ी 7:15 पर आएगी। ठीक है, सभी को समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना, है ना, इतने इजी तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नाजिया इस स्टेशन से 2:12 बाद दूर स्टेशन पर उतरेगी, वह कितने बजे उतरेगी? ठीक है, हमारी गाड़ी कितने बजे आई? 7:15। अब वहाँ से हम इस घंटे को जोड़ देंगे तो वह कितने बजे उतरी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर 2:12 है ना, इसको हम समय में कैसे लिखेंगे? ये हमारा 2 घंटे तो पूरे हो गए, है ना, ये जो 2 घंटा है हमारा, ये 2 घंटा पूरा हो गया। अब 1/2 को क्या लिखते हैं हम? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 30 मिनट। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है ना, तो देखो अब इसको हम इसमें जोड़ देंगे क्योंकि हमारी गाड़ी 7:15 पर आई है ना, क्योंकि आधे घंटे लेट थी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 2:30 है ना, ये हम जोड़ देंगे इसमें, हमारी गाड़ी आई थी 7:15 पे, है ना, उसके बाद हम 2.5 घंटे जोड़ेंगे तब इसको नाजिया को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच पाएगी। ठीक है, तो चलो जोड़ लेते हैं, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, अब यहाँ पर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि वो 9:45 पर पहुँचेगी। तो यहाँ पर क्या, वह कितने बजे उतरेगी? तो नाजिया स्टेशन से, तो यहाँ पर देखो
ना जिया नाजिया स्टेशन से 9:45 पर उतरेगी। ठीक है, इतना क्लियर है, सही है। अब यहां पर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन ये बच गया है ग सा जी। ठीक है, साजी को रेल साजी को इस रेल से एर्नाकुलम पहुंचने में, है ना, साजी को इस रेल से एर्नाकुलम पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे, वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगा। ठीक है, तो हमारी ट्रेन कितने बजे आई, सभी बता सकते हैं क्या? ट्रेन हमारी आई 7:15 पे। ठीक है, 7:15 पे हमारी ट्रेन आई गई। अब वह 5 घंटे बाद वह अपने एर्नाकुलम पहुंचेगा। ठीक है, उसे 5 घंटे बाद कहीं पहुंचना है, तो देख लेते हैं हम 5 घंटे को जोड़ लेते हैं। ठीक है, हमारी ट्रेन कितनी में आएगी, 7:15। ठीक है, अब इसमें क्या वो जोड़ेंगे, 5, है ना, 5 को हम इसी तरह से लिख देना, 5:00, है ना, 5:00। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा 5 ऐसे ही उधर आएगा, अब यहाँ पर यहाँ, ठीक है, 0 में हम 15 को जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, 7 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12:15 पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, साजी को इस रेल से एर्नाकुलम पहुँचने में 5 घंटे लगेंगे, वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुँचेगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, साजी है ना, साजी को पहुँचना था ना, साजी एर्नाकुलम 12:15 पे पहुंचेगी। ठीक है, क्लियर है इतना, है ना, आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया ना, अब हमारा चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।